ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के कार्यालय ने इन आरोपों से इनकार किया है कि उन्होंने 20 साल पहले दो महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया था। पत्रकार शार्लोट एडवर्ड्स ने संडे टाइम्स समाचार पत्र के लिए एक लेख में लिखा है कि जॉनसन ने एक पार्टी में उनके साथ आपत्तिजनक व्यवहार किया था। उन्होंने कहा कि वो उस समय एक पत्रिका का संपादन कर रही थी और उस पार्टी का आयोजन उसी पत्रिका ने किया था। एडवर्ड्स ने बताया, रात्रि भोज के बाद उन्होंने एक अन्य महिला से इस बारे में बातचीत की और उस महिला का भी यही कहना था कि जॉनसन ने भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया था। जॉनसन के कार्यालय ने एक संक्षिप्त बयान जारी किया और कहा कि आरोप झूठे हैं, लेकिन एडवर्ड्स अपनी बात पर कायम रहीं। उन्होंने ट्वीट किया, अगर प्रधानमंत्री को वो घटना ठीक से याद नहीं है तो स्पष्ट रूप से उनकी तुलना में मेरी याददाश्त उनसे बेहतर है। ये आरोप उस समय प्रकाशित हुआ है जब जॉनसन की कंजर्वेटिव पार्टी का सालाना सम्मेलन हो रहा है और पार्टी 31 अक्टूबर को यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के नियोजित तरीके से हटने पर विचार कर रही है।